हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका एस वाई सर, इंडियाज नंबर वन ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम मेटूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपको से बात करेंगे कि 16 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में जो ऑर्गेनिक का पेपर था वो कैसा था, और आप आगे जो बच्चे आगे पेपर देने जाने वाले हैं किसी दिन, वो क्या सावधानी रखेंगे और किन चीज़ों को पढ़ के जाएंगे जिससे उनके क्वेश्चन मिलने के 100% चांसेस हैं। कुल 10 से 11 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के पूछे गए थे, जैसे बच्चों ने हमें रिपोर्ट किया। उसमें से आपको बता दूं, एक सवाल था अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड का सवाल था, जिसमें 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन H3PO4 से करा के पूछा था क्या बनेगा, और दूसरा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के साथ करा के क्या बनेगा। आप जानते हैं कि इसमें एक में E1 रिएक्शन द्वारा सेटजेप्टोरक बनेगा और दूसरे में आपका E2 रिएक्शन द्वारा हाफ मेंटोरकवा फॉर्मेशन होता है। ये एलिमिनेशन रिएक्शन का सवाल था। दूसरा सवाल था बायोमॉलिक्यूल के विटामिन चैप्टर से, वो डिपेंड था कि वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल, एनसीईआरटी का लिखा हुआ लाइन पूछा था उसमें। एक्चुअली क्या होता है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होता है, जब हमारे विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल और एक वाटर इनसॉल्युबल, फैट सॉल्युबल या ऑयल सॉल्युबल। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है हमारी आपकी बॉडी में, जब हम पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी में वो पानी के साथ डिजॉल्व हो जाता है, यूरिन वगैरह के माध्यम से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, और वो होता है विटामिन B एंड विटामिन C। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है वो लंबे समय तक हमारी बॉडी में रहता है, जिसे कहते हैं विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, विटामिन ADEK, एडेक। तो जो लंबे समय तक रिटेन रहते हैं वो कौन से विटामिन है, उनके बारे में पूछा था। वो विटामिन ADEK में से है, एक सवाल यहां से था। दूसरा सवाल पूछा था सीधा सीधा, मैंने, आप ध्यान से देखिएगा, मैंने एक लाइव सेशन लिया था टाइम सेवर कोर्स के फेज 2 का, जिसमें मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है कि एस्टर का डाइबल से रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता। अब एस्टर का डाइबल से रिडक्शन, ये इसे आप कार्बोनाइल चैप्टर में भी ले सकते हैं, इसे आप एसिड डेरिवेटिव में भी ले सकते हैं, एस्टर चैप्टर का भी मान सकते हैं, ओके। तो ये सिंपल रिडक्शन का था, डाइबल्स रिडक्शन, जिसमें एस्टर का रिडक्शन अल्कोहल और एल्डिहाइड में होता है। मैंने बोला था ये एडवांस में पूछा जा चुका है, मेंस में पूछा जा चुका है, इस बार 100% किसी न किसी के शिफ्ट में आने के चांसेस हैं, और आया था। फिर 12 मार्च को जो लाइव सेशन हमने लिया था, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ा था टाइम सेवर पार्ट 2 का, उसमें मैंने आपको बताया। वैसे मैंने ये अपने हर प्लान में बताया, चाहे वो फाइनल टच रिवीजन हो, चाहे वो रिवीजन थ्रू प्रॉब्लम हो, मैंने डाइबल वाला क्वेश्चन हर जगह बताया, विटामिन वाला क्वेश्चन हर जगह बताया, आप उठा के देखें। और ये अल्कोहल एल्काइल हैलाइड के तीनों क्वेश्चन हमारे हर कोर्स में है, चाहे वो ईयर लॉन्ग हो, चाहे वो फाइनल टच हो, चाहे वो रैपिड रिवीजन हो, चाहे वो रिवीजन थ्रू प्रॉब्लम हो, या आपके जो सिर्फ 3 दिन का रिवीजन प्रोग्राम हुआ था उसमें भी मैंने पढ़ा था। दूसरा पूछा था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का सवाल एंटीहिस्टामिन के बारे में। एंटीहिस्टामिन क्या होता है, हिस्टामिन क्या होता है, हमारी आपकी बॉडी में जो एंटी एलर्जिक होता है और एंटी एसिड होता है, जो कि आपने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मैंने बोला था इसे पढ़ के जाओ, एंटीहिस्टामिन का एक सवाल आने के चांसेस हैं। देखो यही है, आ गया सवाल आपके। फिर मैंने पूछा था, एक सवाल था आइसोमेरिज्म के, कीटोन और टाइटोमेरिज्म का पूछा था कि एसीटोन और एसिटो एसिटिक एस्टर में इनॉल कंटेंट कंपैरिजन पर एसर्शन रीजन का सवाल था, जो कि ऑलरेडी आपकी नोट्स में प्रेजेंट है, ठीक है। एक सवाल था GOC में सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानो, वही पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, और जो 4 रूल आपने देखा उस रूल को देख करके एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानो, इसे आप एरोमेटिक कंपाउंड भी मान सकते हैं, इसे आप GOC में, वैसे हमने सीखा इसे GOC में। फिर एक सवाल था हाइड्रोजन एस्टिमेशन, हाँ ये 11th NCERT का हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एलिमेंट के एस्टिमेशन के लिए एक फार्मूला दिया गया था, उस फार्मूला पे डायरेक्ट सवाल था, वो जनरल केमिस्ट्री जो 11th के NCERT है वहां से पूछा गया था। एक सवाल था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पे, वो जो है पोल्यूटेंट के बारे में पूछा था, ओके। डे टाइम में पॉल्यूशन ज्यादा होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग पॉल्यूटेंट की वजह से या फोटो केमिकल स्मोक की वजह से, उस पर एक सवाल था, ठीक है। एक सवाल था एमाइन से, जो सीधा सीधा मैंने चिल्ला के बोला था कि एमाइंस में हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, गैब्रियल थैलमाइड सिंथेसिस ऑफ 1 डिग्री एमाइन, और जी हाफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट, ये 3 रिएक्शन जरूर पढ़ लेना, एक तुम्हारे एग्जाम में आने के चांसेस हैं। देखो आपके एग्जाम में आ गया। और एक सवाल पूछा था सीधा सीधा लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, व्हाट इज लिंडलार कैटलिस्ट, अरे S2
PDBSO4 या S2 PDC के साथ को हम लिंडार कैटलिस्ट कहते हैं। ये किसी भी ये एल्काइन का या किसी भी कंपाउंड का पारेसी रिडक्शन करता है, अगर करता है तो ठीक है। अब मैं अगर चैप्टर वाइज क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो मैंने यहाँ चैप्टर वाइज क्वेश्चन को लिख रखा है। देखिए एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड दोनों चैप्टर को मिला के एक सवाल था जो कि इलिमिनेशन रिएक्शन पे था। विटामिन, कौन विटामिन हमारे आपके बॉडी में लंबे समय तक रहता है, मतलब वाटर इनसॉल्युबल विटामिन, ये आपका एक सवाल विटामिन का था। एक सवाल था कार्बोनिल कंपाउंड का था सीधा सीधा, और एक सवाल था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, एक सवाल आइसोमेरिज्म के टाइटोमेरिज्म से था, एक सवाल एमाइंस का था, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, एक सवाल हाइड्रोकार्बन कहिए या उसे जिसे लिंडलार कैटलिस्ट हम हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में 11 की एनसीईआरटी में दिया गया, और आपने पढ़ा रिडक्शन चैप्टर। रिडक्शन आपने कहाँ पढ़ा था, एल्कोहल ईथर और कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ा था ठीक है। एक जनरल केमिस्ट्री से था, हाइड्रोजन के एस्टिमेशन से, और एक डाइबल द्वारा रिडक्शन पे सवाल पूछा था। बच्चों मैं आपसे बताऊं, फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आप वापस पेपर देने जा रहे हैं जेई मेंस का तो याद रखना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पॉलीमर ध्यान से पढ़ लेना, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लेना, तीन सवाल, दो से तीन सवाल यहाँ पे मिल सकते हैं, दो सवाल तो मिनिमम मिलेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड से एक सवाल मिलेगा बेटा, एमाइन से एक सवाल मिलेगा 5, एक सवाल कार्बोनिल कंपाउंड से मिलेगा 6, और एक जीओसी और आइसोमेरिज्म से मिलेगा 7 और 8। 8 सवाल अगर आप तुमने 10 में से कर लिए, 80 से 90% नंबर तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इजिली मिल जाए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। टेक केयर योर सेल्फ योर फैमिली। थैंक यू सो मच।